मैंने निर्णय लिया है, इस बार ये युद्ध हमारी सेना नहीं, मैं लड़ूंगा अकेला अकेला अकेला। रावण भयंकर शक्ति प्राप्त कर बहुत अधिक बलशाली होने जा रहा है, और ऐसे समय में आप हमारे साथ को कैसे अस्वीकार कर सकते हैं प्रभु, कैसे कर सकते हैं अस्वीकार? आप ही के साथ ने तो मुझे यहाँ तक पहुँचने में सक्षम बनाया है, उसे कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ? जब रावण अपनी सेना के साथ आया तो आपने उसकी विशाल सेना को धूल धूसरित कर मेरा भरपूर साथ दिया। हाँ प्रभु, पूर्व की तरह भविष्य में भी हम आपका साथ देंगे। देवगणों का कथन आपने भी सुना है प्रभु, उनके अनुसार रावण कई गुना बलशाली और भयंकर बनकर आ सकता है प्रभु। जानता हूं मैं, परंतु अधर्म का नाश करने के लिए धर्म युद्ध है ये, इसलिए मैं धर्मोचित युद्ध ही करूंगा। अकेले पड़े रावण के साथ मैं अकेला ही लड़ूंगा। उस अधर्मी ने मेरी पत्नी सीता का हरण करके मेरे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है, इसलिए उसको इस अपराध का दंड देने का कर्तव्य मेरा ही है। आगामी युद्ध में मैं अपने हाथों से दंडित करूंगा उसे। सुना था वो सत्य ही था, इतना भयंकर रूप है माता मुंड मालिनी का। होता है माता के इस भयंकर रूप को देखना दुष्कर हो रहा है रावण के लिए। यदि रावण भयभीत हो जाता तो आज उसका अंत निश्चित था, परंतु रावण तो इस कसौटी पर भी खरा उतरा, भक्ति भाव और श्रद्धा पूर्व। स्वर से अभिवादन किया है उसने, उसकी भक्ति में भले ही एक बड़ा स्वार्थ निहित है, परंतु देवी तारा के हृदय में भी एक मां छिपी है। बाहर से भीषण परंतु भीतर से सौम्य है मेरा ये रूप, वो माता
जो संतान की गुहार लगाने से ही पिघल जाती है। अच्छे हो या बुरे हो, संसार के समस्त जीव है तो माता के ही संतान। वंडर शांत हो गया। कहीं भ्राता रावण अपनी पूजा में सफल तो नहीं हो गए? यदि रावण वास्तव में सफल हो गया तो ऐसी पूजा से प्राप्त हुई सफलता उसे अत्यंत बलशाली बना देगी। ऐसी अवस्था में प्रभु का उसके साथ एकाकी संघर्ष करना उचित नहीं। नहीं प्रभु, ऐसा नहीं कर सकते आप। आप ये युद्ध अकेले नहीं लड़ सकते। प्रभु, आज तक मैंने आपका कोई आदेश, कोई वचन नहीं टाला, परंतु आपके इस आदेश को मैं कैसे स्वीकार करूं? प्रभु प्रभु, मुझे अपने से दूर मत कीजिए। जब वो राक्षस इस पूजा से प्राप्त असाधारण शक्तियों के साथ आपसे युद्ध करने आएगा, तब उस युद्ध में मुझे भी भाग लेने दीजिए प्रभु, अन्यथा ये इस भक्त के साथ घोर अन्याय होगा। प्रभु प्रभु, भक्त और भगवान के बीच कुछ भी व्यक्तिगत कैसे हो सकता है? प्रभु मुझे स्वीकार लीजिए, मुझे स्वीकार लीजिए प्रभु। हनुमान, मर्यादा का पालन करने के लिए अनिवार्य है हनुमान कि मैं रावण के साथ अकेले ही युद्ध करूं, क्योंकि अब वो भी युद्ध अकेला ही करेगा। और ये भी स्मरण करो, जब तुमने सीता को अपनी पीठ में बिठाकर लंका से चलने के लिए कहा था तो उन्होंने क्या उत्तर दिया था? उचित तो ये होगा पवन पुत्र हनुमान कि मेरे पति श्री राम यहाँ आए और उस दुष्ट रावण का संहार कर मुझे यहाँ से ले जाए। क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि रावण का वध मेरे ही हाथों? इसलिए आगामी युद्ध में रावण कितनी ही शक्ति के साथ क्यों ना आए, रावण से अकेले लड़ने का मेरा निर्णय अटल है। माता, मेरी सहायता कीजिए। मैं विनती करता हूं आपसे, आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी सहायता कीजिए माता। कहो पुत्र, क्या सहायता चाहते हो मुझसे? सुरक्षा, उस वनवासी से, उसके अस्त्रों से और उसके सभी योद्धाओं से होने वाले युद्ध में सुरक्षा मां, पूर्ण सुरक्षा। आपको मुझे सुरक्षा प्रदान करनी होगी मां। और ऐसा करने के लिए तुम अवैधिक पूजा से विवश कर रहे हो मुझे? माता, एक राक्षस के लिए वैदिक और अवैधिक में कैसा भेद? माता, निषिद्ध पूजा से और अधिक निषिद्ध नहीं है क्या हम माता?
फिर हम क्यों ना प्रयोग करें उनका माता। हे माता, आपका यहाँ आना और आपके इस विकराल रूप को देखकर मेरा जीवित रहना इस बात का प्रतीक है कि मैं आपकी पूजा में सफल हुआ और अब आपको मेरी रक्षा करनी होगी। माता, अब मुझे ज्ञात है कि आप पूर्णतः विवश है मेरी रक्षा करने के लिए। माता, तुम्हारा कथन सर्वथा उचित है रावण। मैं विवश हो गई हूँ, किंतु स्मरण रहे, मेरी सुरक्षा तुम्हें तभी तक प्राप्त होगी जब तक युद्ध में तुम नीति नियम का पालन करोगे, और यदि तुमने युद्ध का एक भी नियम भंग किया तो उसका भयंकर परिणाम होगा, छलनी हो जाओगे तुम और जल की एक बूंद के लिए भी तरसोगे। आपके सभी निर्देश स्वीकार है मुझे माता, बस मुझे आपकी सुरक्षा की कृपा चाहिए। माता, तथास्तु। अब लंकेश रावण की विजय निश्चित है। तो ये निश्चित हुआ कि युद्ध केवल मैं लड़ूंगा, केवल मैं लड़ूंगा। आप सभी को मेरी सौगंध है कि कोई भी रावण के साथ मेरे युद्ध में कोई भागीदार नहीं बनेगा, और यदि किसी ने ऐसा किया तो मैं उसी क्षण अपनी पराजय स्वीकार कर युद्ध छोड़ दूंगा। आगामी युद्ध मात्र मेरे और रावण के मध्य होगा। आगामी युद्ध में एकाकी नहीं रहेगा रावण, देवी शक्ति होगी उसके साथ। आज न जाने क्या होने वाला है, आज की विदाई कहीं स्वामी की अंतिम, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु, यह आपका अक्षय तुणीर। प्रभु, आपकी कटार। We'll be right back.
न्याय त्याग दीजिए महारानी मंदोदरी। आप लंकेश रावण की पत्नी हैं, गर्व के साथ मस्तक उठाकर मेरा तिलक कीजिए। माता तारा देवी ने स्वयं मेरी रक्षा का वचन दिया है, अब मैं विजय होकर ही लौटूंगा। आप चिंता मत कीजिए, जाइए और राज्य में विजय उत्सव की व्यवस्था कीजिए। आपका मायावी रथ सज्जित है लंकेश। और खेत मंडरा रहे हैं, उल्लू और भेड़िए चिल्ला रहे हैं। प्रभु, यह संकेत है कि रावण रणभूमि की ओर निकल पड़ा है। ऐसी भयानक ध्वनियां, ये अशुभ संकेत है। प्रभु, रावण आज बहुत ही भीषण युद्ध करने वाला है। आज हम सब भी युद्ध में उनके सहायक होते तो अच्छा होता। विभीषण जी, महाराज सुग्रीव एवं मेरे वानर वीरों, भले ही आप सब आज मेरे साथ युद्ध में सम्मिलित नहीं होंगे, किंतु आपका दृढ़ विश्वास, आपका मेरे प्रति समर्पण ही मेरी प्रमुख शक्ति है, जो मेरा विजय पथ प्रशस्त करेगा। अतः आप सब भी प्रशस्त रूप से इस युद्ध में मेरे सहयोगी हैं। इसलिए आप सब अपना धैर्य और साहस बनाए रखिए। आपका उत्साह ही रावण को मृत्यु के मुख तक पहुंचाने में मेरा सहायक होगा। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। प्रभु श्री राम की जय। जय श्री राम।
देवी तारा। साक्षात देवी तारा आ रही है रावण को रक्षित करते हुए। क्या रावण के साथ स्वयं देवी तारा प्रभु के विरुद्ध युद्ध करेंगी? सच्चा वीर वही होता है जो अपने उत्तरदायित्व को भली भांति समझता है, जबकि कायर अपने उत्तरदायित्व का भार किसी और पर डाल देता है।